तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। इसके पहले की बातें हम लोग पिछले दो लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे बोलेंगे, क्योंकि इसका यूज़ अभी बहुत पड़ने वाला है, इससे काफ़ी चीज़ हम निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, तो एक तीन तरह की डेफिनेशंस लिख दी हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। पहली डेफिनेशन क्या बोलती है, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम। क्योंकि हमें मालूम है जो चीज़ होती है, कोई मैटर है, उसका मॉलिक्यूल होगा, एटम्स होंगे, और वो सारे सारे मोशन में होंगे, तो डायनामिकल सिस्टम हो गया क्योंकि मूव कर रहे हैं। आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजिशन एंड कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम। थोड़ी टफ डेफिनेशन है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो मोशन हो रहा है उस मोशन को कंप्लीटली बताने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। कोई चीज मूव कर रही है, अगर वो एक्स ही डायरेक्शन में मूव कर रही है केवल, तो हम क्या कहेंगे, एक कोऑर्डिनेट काफी है क्योंकि एक्स में चल रहा है। अगर वो एक्स में भी चल रही है और वाई में भी चल रही है, प्लेन में, ठीक, ये लीनियर प्लेन में ऐसे ऐसे चल रही है, तो क्या बोलेंगे, दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। और कोई चीज आगे भी बढ़ रही है तो तीसरा कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तीनों, है ना। तो किसी भी चीज का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होंगे वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। बाकी दूसरी डेफिनेशन उससे इजी, द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी। जो भी मूवमेंट जब होता है तो उसमें एनर्जी पोजेस करता है सिस्टम ना। अगर एटम हिल रहे हैं तो एनर्जी है, तभी तो हिल रहे हैं। तो वो जितनी तरीके से हिल रहे होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उतनी तरीके से वो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या पोजेस कर सकते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में हिल रहे हैं, किसी ट्रांजेक्शनल मोशन है, तो एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, तीन तरीके यही हो गए। और भी तीन तरीके दिखेंगे जिसमें रोटेटरी मोशन भी होगा घूमने वाला, और ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होगा हिलने वाला आपस में। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, जितने तरीकों से एनर्जी को पोजेस कर सकता है एक मॉलिक्यूल, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीसरी बात जो और आसान बनाती है बात को, द नंबर ऑफ मोशंस विच कैन हैव परफॉर्म बाई एन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इस डिग्री ऑफ फ्रीडम। मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं वो जितनी तरीके से मोशन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अगर मोशन करेगा तो एनर्जी पोजेस कर सकता है उस मोशन में। और ये कितने तरीके से हो सकता है, तो बेसिकली तीन तरीके से, एक ट्रांसलेशनल, रोटेटरी या वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी। आ रही बात समझ में, ये इतने तरीके से ये मोशन किए जा सकते हैं और इनको ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सा समझ में अपना आना चाहिए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग, फिर एक बेसिक फॉर्मूले में जाएंगे। हमने एक मोनो एटॉमिक गैस ली, आर्गन, आर्गन अगर ली हमने, और मोनो एटॉमिक है यानी कि एक एटम ही एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन कैसे होगी? तो उसकी अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन ऐसे होगी कि वो अगर एक्स डायरेक्शन में हिल रहा है, एक्स वाई जेड समझते हैं ना आपको समझाने के लिए, अगर ये एक्स वाई जेड एक्सेस बना देते हैं, एक्स वाई और जेड, तो अगर वो मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल है इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, एक्स के डायरेक्शन में हिल रहा है। वाई के डायरेक्शन में भी हिलना मना थोड़ी है उसको, वाई के डायरेक्शन में भी हिल सकता है और जेड के भी डायरेक्शन में हिल सकता है। तो कितनी तरीके से मोशन कर सकता है, तीन तरीके से, ठीक, तीन तरीके से कर सकता है। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, तीन। तीन तरीके से एनर्जी भी पोजेस कर सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, तीन। बाकी एक एक चीज के पास बाकी कोई और चीज नहीं है, इसमें वाइब्रेशन करने वाली बात भी नहीं है और रोटेशन करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा ना तो कुछ इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट एनर्जी होल्ड नहीं कर सकता है अपनी एक्सेस के थ्रू, ही तो रोटेट करे, एक सिंगल बॉल है बहुत छोटी सी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन कैसे हुई, समझ में आई बात, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस पे हिलना।
अकेला सिंगल ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ट्रांसलेशनल एनर्जी की वजह से, ट्रांसलेशनल मूवमेंट की वजह से इसकी तीन तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी। मोनोटॉमिक गैस तीन तरह की एनर्जी पोजेस करेगा। डाइएटॉमिक गैस की बात देखिए, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब डाइएटॉमिक में क्या होता है, दो एटम आ जाते हैं, है ना। मान लीजिए दो एटम आ गए ऐसे, ये दो एटम है। अभी दो एटम एक्स एक्सिस की बात करते हैं हम लोग, ये कोना देख लीजिए, जहां बैठे हैं उस कमरे का कोना, आपकी तरफ जाने वाला एक्स एक्सिस, बोर्ड की तरफ आने वाला वाई एक्सिस और ऊपर जाने वाला जेड एक्सिस, समझने के लिए जिससे समझाया जा सके आसानी से, ठीक। आपकी तरफ जो आ रहा है कोने से एक्स वाई और जेड, अब ये दिया दो मॉलिक्यूल, तो एक तो ये ऐसे ऐसे हिल सकता है एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वो ऐसे हिल सकता है वाई डायरेक्शन में, तीसरा वो ऐसे हिल सकता है जेड डायरेक्शन में। तीन तो एनर्जी हो गई, ठीक है साहब। दूसरी देखिए, ये जो है, अगर आप इसका ये दो चीज ले रखी है ना, ये यहां पे दोनों एटम है, एटम का बीच का ये इसका क्या है, इसका बॉन्ड या एक्सिस, इसकी इसकी एक्सिस है, एक्सिस और सेंटर ऑफ मास से और एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने वाली जो लाइन होगी, सेंटर ऑफ मास बीच में पड़ेगा इससे और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जाने वाली है, उसके अलॉन्ग ये रोटेशन मोशन भी कर सकता है। यानी अगर ऐसे है, यहां पर ऐसे रखा है, तो ये जो जेड एक्सिस आ रही है इसके हिसाब से ऐसे मोशन कर सकता है ना, ये ऐसे दिख रहा है, ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे मोशन कर सकता है। तो इसके पास एक क्या खास बात आ रही है, रोटेशन मोशन जेड वाला, और दूसरी ऐसे है और ये वाई एक्सिस हो गई ये जो जा रही है, तो ये ऐसे भी घूम सकता है, दिख रहा है। तो ये दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और मिल गई, जेड के लॉन्ग नहीं घूम पाएगा, जेड के लॉन्ग खुद ही है, वहीं से एक्सिस पास हो रही है, तो कोई परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं मिलेगी। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, तीन तो होगी ट्रांसलेशनल की वजह से, ऐसे ऐसे ऐसे, और दो मिल गई ऐसे और ऐसे घूमने वाली, टोटल पांच, टोटल पांच। तो ये पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है डाइएटॉमिक गैसेस के लिए। अच्छा, डाइएटॉमिक गैसेस में कभी कभी कुछ में तो पांच होती है और कुछ में डिग्री ऑफ फ्रीडम सेवन होती है, जब ज्यादा हीट अप कर देते हैं इसको, जब हम डाइएटॉमिक गैसेस को ज्यादा हीट अप कर देते हैं, हमें याद तो ये रखना है, समझाने के लिए बता रहे हैं, एनसीईआरटी भी मेंशन है। जैसे कि आप जो गैस लेंगे, जैसे आप गैस लेंगे O2 को, अगर ज्यादा आप टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वही बिहेवियर शो करेगा, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाते हैं CO को, तो CO कम टेम्परेचर पर ही वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाती है ना, उसका दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाता है, सेवन दिखाने लगती है वो। कैसे दिखाने लगती है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक। वो ऐसे दिखाने लगती है कि इसके अंदर ये पांच तो थे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले, और जब ज्यादा हीट अप कर देते हैं तो वो वाइब्रेट भी करने लगती है, ये जो दो मॉलिक्यूल लगे हैं ये आगे पीछे होने शुरू हो जाते हैं ऐसे, ड्यू टू हाई एनर्जी। बाकी पांच तो है ही, वो सब काम तो कर ही सकता है, वो साथ में ऐसे भी करने लगेगा। तो जब ऐसे करने लगता है तो इसमें दो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती हैं, दो एनर्जीज ऐड हो जाती हैं। क्यों? एक काइनेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक क्यों? क्योंकि ये हिल रहा है। पोटेंशियल क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। बात पकड़ में आ रही है? तो जब वो वाइब्रेटरी मोशन करेगा, ऑक्सीलेटरी मोशन जिसे आप बोल सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, तो उस समय एक हिलने में दो तरह की एनर्जी स्टोर कर रहा है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। और इसी का एक फॉर्म, ये आप समझ गए ना, वो फॉर्म किताब में भी लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा बुक में ऐसे लिखा है, वाइब्रेटरी मोशन की एनर्जी हाफ मास डिवाइड बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। ये वाइब्रेटरी, इसी तरह से लिखा है रोटेटरी मोशन का, और इसी तरीके से लिखा है ट्रांसलेटरी मोशन का, स्मॉल टी से शो किया है और इसको स्मॉल आर से शो किया है। तीन तरह की एनर्जी हुई।
तो ये जो देखिए वाइब्रेटरी मोशन में जो एनर्जी आ रही है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दो, क्योंकि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या बोला है, जितने तरीके से एनर्जी प्रोसेस कर सकता है। यहां दो तरीके से, ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी वी स्क्वायर। ये फॉर्मेट कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी, याद कीजिए स्प्रिंग वाला केस, हाफ के एक्स स्क्वायर बोलते थे एनर्जी को, याद आ रहा है, व्हाट इज के हियर, कौन सा कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट था, और यहां पर आप उसी कांस्टेंट को बोल देंगे फोर्स कांस्टेंट, के इज द फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग और यहां के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। बात पकड़ में आ रही है, तो जब ये वाइब्रेटरी मोशन में जाएगा ऐसे वाले मोशन में, तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होगी, और हम ये बता चुके हैं आयोनिजा कि जितने तरह की एनर्जी वो पोजेस कर सकता है, जितने तरीकों से, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये दो तरीके से पोजेस कर रहा है, एक पोटेंशियल बीच की, एक काइनेटिक, काइनेटिक का फॉर्मूला ये, पोटेंशियल का ये, दोनों को जोड़ देंगे ना तो टोटल एनर्जी मिलेगी वाइब्रेटरी में, तो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां मिल जाएगी इसको। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है तो डायटॉमिक, लेकिन कम टेम्परेचर पर ही उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी शो करने लगता है, 7, 5 तो है ही, 2 एडिशनल, आ रही बात समझ में। और इसको अगर गर्म कर देंगे आप काफी हाई टेम्परेचर पे, तो ये भी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाएगा, 7, लेकिन नॉर्मली हम डायटॉमिक के लिए क्या समझ के चलेंगे, 5। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। अब एक तो तरीका था इसको समझने का, समझ गए ना डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हिलने के तरीके, रोटेशन वाला भी समझ गए हैं, जेड वाला वाई वाला। अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया ये, कि अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे 3n-r। व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, व्हाट इज r, कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं या उसको कितने रिलेशन मेंटेन्ड करने हैं, अभी हम समझाते हैं आपको, उससे आप सभी की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए इस फॉर्मूले को यूज करने चले, एक तरीके से हमने समझा क्या कॉन्सेप्चुअली कैसे घूम रहे कैसे नहीं घूम रहे, आ रही बात पकड़ में, और एक फॉर्मूला बना लिया। मोनोएटॉमिक के लिए चले हम लोग, मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक में कितने एटम होंगे, 1, और कोई रिलेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना है नहीं, वो तो सिंगल है, किसी से कुछ भी नहीं रिस्ट्रिक्शन है, जहां चाहो वहां जाओ। तो n की वैल्यू यहां क्या हो गई, 1, और रिलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस कितने होंगे, 0। तो फॉर्मूला लगाया 3n-r, तो 3 × 1 - 0 विच इज इक्वल टू 3, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, 3। बराबर, हम आगे डाइटॉमिक के लिए, डाइटॉमिक, डाइटॉमिक में कितने एटम होते हैं, 2, रिलेशन कितने लेने हैं, ये डाइटॉमिक है, एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ा इसको, क्यों, क्योंकि जो भी है जैसे हमने लिखा है O2, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, वो तो खुद ही लग रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन समझ लो, तो दो ऑक्सीजन इसको दूरी नहीं बढ़ा सकते अपनी ऐसे, क्योंकि इनको रिलेशन बंधे है ना, इतनी दूरी बना के रखनी है, तो एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ा, इतना डिस्टेंस बीच का हमेशा कायम रखना है, तभी तो O2 बन पाएगा। तो रिलेशन कितना कायम रखना है, 1, फॉर्मूला लगा दिया यही वाला, 3 × 2 - 1 = 5, है ना योनिजा। तीसरी बात करते हैं ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर, तो योनिजा बताओ n कितना है इसका, r कितना होगा, यहां देखो 2, तो अगर 2 है तो 3 × 3 - 2, 9 - 2 विच इज इक्वल टू 7, आ गया 7। अगर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो मान लो 3 मॉलिक्यूल हैं एक्स वाई और जेड सपोज करिए, तो इसको रिलेशन कितने मेंटेन करने हैं, एक्स जेड में, एक्स वाई में और वाई जेड में, रिस्ट्रिक्शन हो गए ना, 3 रिस्ट्रिक्शन हो गए, तो एन की वैल्यू थी 3, लेकिन आर कितना है, 3, तो 3 × 3 -
3 विच इज इक्वल टू 6, तो इसके नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गई। इस तरीके से बाकी के लिए भी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, एक तो कॉन्सेप्चुअली किस तरह से मोशन हो रहा है, जिसे समझ में आए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, और दूसरा एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपकी मदद करता रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जितने तरीकों से मॉलिक्यूल एनर्जी पोजेस कर रहा है, वो तरीके क्या है, हिलने वाले ही तो तरीके हैं डायनेमिकल सिस्टम, क्योंकि एटम्स हमेशा मूवमेंट में रहेंगे, ठीक है। तो जितने तरीकों से वो घूम सकते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेटरी ऑक्सीलेटरी मोशन, उन्हीं तरीकों में वो एनर्जी को पोजेस कर सकता है, बिना हिले तो थोड़ी पोजेस करेगा। और एक खास बात हमने क्या देखी कि वाइब्रेटरी मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम दुगनी होती है, दो गिनते। क्यों गिनते, क्योंकि उसके अंदर एक तरह की पोटेंशियल, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी भी होती है और एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इस वजह से उसको दो मानते हैं। बात पकड़ में आई, बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इससे एक खास रेफरेंस और निकालेंगे। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को मालूम हो चुकी थी वो ये मालूम हो चुकी थी कि जो मोनोटॉमिक गैस होती हैं उनके मॉलिक्यूल का काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कितना एनर्जी होता है, तो ये हमको मालूम है, वो होता है 3/2 kT। पढ़ा है क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बराबर केल्विन में। अब ये जो बात मालूम है इसकी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से मिलावट की, मतलब मिलावट का मतलब उस कॉन्सेप्ट को इसमें लगाया। तो उस कॉन्सेप्ट को जब हमने लगाया तो क्या देखा कि एक मोनोएटॉमिक जो गैस होती है, मोनोएटॉमिक जो गैस होती है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी थी बेटा, 3 थी। यानी वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मोशन करेगी, जो एनर्जी देगी। अगर इस वाली एनर्जी को हम ई एक्स कह दें, इसको हम ई वाई कह दें और इसको जी जेड कह दें, तो ये तीनों एनर्जी को जोड़ने पर ही हमको क्या मिला होगा, 3/2 kT, क्योंकि तीन तरीके से ही एनर्जी पोजेस कर सकती है और टोटल एनर्जी है 3/2 kT। यानी तीनों को जोड़ देंगे तो 3/2 kT बराबर होगा, और तो कोई तरीका इसके पास है नहीं। जैसे आपके पास आपके कपड़ों में 5 पॉकेट्स हैं, 3 पॉकेट्स हैं, 3 की बात चल रही है, 2 आगे और 1 ऊपर सपोज करिए, तो अगर आपको हम तीनों पॉकेट के पैसे मिला लें तो टोटल पैसा कितना है आपके पास पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कुछ लड़कियों में और पॉकेट्स बनी आगे पीछे दाएं बाएं, तो 4-5 पॉकेट है, जितनी भी पॉकेट है 5 हैं, तो 5ों का पैसा गिन लिया। अब किसी ने आपसे बोला कि वर्षा तुम्हारे पास 1000 रुपीज हैं, ठीक, और इनके पास 5 पॉकेट हैं, तो क्या हो गया, 5ों पॉकेट के पैसे जोड़ दीजिए तो 1000 आएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि और कहां ले जाएंगे पैसा, और कोई इनके पास सिस्टम नहीं है पैसे को रखने का। तो जब हमने यही सिस्टम डिफाइन किया है कि एनर्जी को रखने का तरीके को बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी को रखने के तरीके को, तो वो तरीके पॉकेट है, बात पकड़ में आई। तो यहां पर अगर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो ये तीनों तरीकों को मिला के आयोनिजा कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है, 3/2 kT, ठीक। अब इसका जो मूवमेंट है मोनोटॉमिक गैस का, आर्गन का या और भी जो गैसेस हैं, उनका कोई प्रेफरेंशियल मूवमेंट तो होता नहीं कि हम ई एक्स में ज्यादा दौड़ेंगे ई वाई में कम दौड़ेंगे, कोई प्रेफरेंशियल पॉकेट नहीं है, सब में आराम से सुविधाजनक तरीके से पैसे रख लेते हैं, ऐसा नहीं यहां ज्यादा अच्छा मजा आ रहा है या कम मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी पॉकेट्स सेम प्रेफरेंस है आपका। उसी तरीके से ये जो एटम्स हिलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, उनका कोई प्रेफरेंस नहीं है इसमें कि एक्स की डायरेक्शन में ही चलने पसंद आता है, वाई की डायरेक्शन में कम आता है वगैरह, तीनों में बराबर आता है। अगर तीनों में बराबर आता है ममता जी, तो तीनों की एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि उसमें कोई क्या कहते हैं फेवर तो हो नहीं रहा है। तो इस केस में क्या बन जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई जेड बना। अगर ये बना, तीनों बराबर हो गई, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर सबको लिख दें हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 3x, सबको लिख दिया ई वाई को भी ई एक्स और ई जेड को भी
ex, तो इसकी वैल्यू बनी 3/2 kt, तो ex कितना आ गया, हाफ kt। तो इससे हमने एक रेफरेंस निकाला, क्या रेफरेंस निकाला कि गैसेस एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी पोजेस करती हैं, हाफ kt। दिख रहा है अपने को, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या रेफरेंस निकाला। आप समझ पा रहे किस टेक्निक से निकाला, आपके सामने वो बात समझाई हमने, आपकी समझ में भी आई। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी, हाफ kt, ठीक है। तो एक बात जब हमको यह पता चल गई कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kt होती है, तो जिस गैस में जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ kt से, टोटल एनर्जी निकल आएगी हमारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन्होंने एक और, मैक्सवेल साहब ने पहली बार ये चीज बताई जिसे जिसे आप बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी। ये एक लॉ है, वो लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी। वो ये बोलता है कि जिसमें जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, ठीक, सब में एनर्जी समान रूप से अकेले ही मिलेगी, इक्वल इक्वल मिलेगी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, इक्वी मतलब सेम, पार्टीशन मतलब पार्ट लगा रहे, ऑफ एनर्जी। तो किसी में अगर तीन हुई तो तीन बराबर हिस्से, किसी में पांच हुई तो पांच बराबर हिस्से, और किसी में सात हुई तो सात बराबर हिस्से। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी। इसकी हम तीन चार लाइनें लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ऐसे ही प्रोड्यूस कर दीजिएगा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी, जो बातें हमने समझाई थी वही बातें हमने लिख के दे दी आपको, और इसको पढ़ लीजिए और ध्यान रखिएगा। मैक्सवेल ने ही पहली बार दिया था, इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड्स। एनर्जी मोड्स का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच ईच मोड हैविंग एन एवरेज एनर्जी ऑफ इक्वल टू हाफ kbt। यही ये k और kbt क्या है, kb क्या है, सेम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बी नहीं लिखा यहां, के वही चीज है, ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना पोजेस करती है, हाफ kt या हाफ kbt पूरी तरह से। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी, सभी मोड्स में बराबर की एनर्जी देना। अब ये भी बात हमने मेंशन कर दी, अकॉर्डिंगली ईच ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स हाफ kbt, ठीक है, टू द एनर्जी, व्हाइल ईच वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये देखिए, कंट्रीब्यूट्स 2 × 1/2 kbt, क्यों, क्योंकि एक काइनेटिक एक पोटेंशियल, इसलिए टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, kbt, लेकिन दो मोड्स हैं उसके पास। सिंस ए वाइब्रेशनल मोड हैज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मोड्स, तो जहां वाइब्रेशनल की बात आएगी वहां पर दो मोड ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे उसके साथ, क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होता है, ठीक है, नोट कर लें। अब देखिए ये बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए, तो हमें मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, ∆Q = ∆U + ∆W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमने क्या किया, डेल्टा क्यू का मतलब है जितनी हीट देते हैं हम, तो एमएस डेल्टा टी के बराबर होती है वो, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन जो करेगा। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया, इफ वॉल्यूम डू नॉट चेंज, इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमें मालूम है वर्क डन नहीं होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया जीरो। और अब क्या किया, फॉर वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, ये गैस ले ली जो मोनो एटॉमिक है इन नेचर, ठीक, वन मोल के लिए लिया, तो ये चीज बदल जाती है, वन मोल के लिए 1 CV × ∆T, ये वैल्यू आ जाएगी। सीवी क्या होता था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वन मोल के लिए बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो सीवी बदल गई, और वन मोल के लिए वन लिख दिया, ये ∆T, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, डेल्टा U के बराबर हो गई, इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब ये जो वैल्यू वर्कडन इसने किया नहीं, तो ये इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, हमें मालूम था ये कितना था, 3/2 kt टोटल एनर्जी, अभी निकाला, मोनोटॉमिक गैस में टोटल एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kt, ये तो पहले ही निकाला था हम लोगों ने, तो ये वैल्यू बराबर कर दी हमने क्या, 3/2 kt, ये इसकी एनर्जी कर दी हम लोगों ने। अब अगर ये एनर्जी बनाई तो ये ∆T, क्योंकि हम लोग सीवी निकाल रहे, तो सीवी निकालते वक्त हम क्या देंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ाना चाहते हैं उसका टेम्परेचर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन,
तो अगर एक डिग्री सेंटीग्रेड एक डिग्री केल्विन बनाएंगे तो यहां पर वैल्यू टीटी दोनों क्या हो जाएगी, वन। तो सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये समझ में आ रहा है ना क्या बता रहे हैं? तो ये वैल्यू आ गई सीवी इज इक्वल टू 3/2 K, एक डिग्री बढ़ाने के लिए और यहां भी एक डिग्री बढ़ाने वाली बात, ठीक है। ठीक, अब ये देखिए सीवी जो आई है 3/2 K, ये 3/2 KT जो हमने वैल्यू रखी थी, ये 3/2 KT तो होती है किसके लिए, ये सही वैल्यू नहीं, इसके साथ क्या होना चाहिए, ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए रहती है, हमें चाहिए था साथ में कितना, वन मोल के लिए, तो वन मोल में एवोगाड्रो नंबर के जितना रहता है, तो इसको इनटू एन करना चाहिए इधर, तब तो होगी टोटल एनर्जी बराबर। तुम समझ पाई ओमेगा, वन मोल गैस थी ना, तो वन मोल के लिए ये तो 3/2 किसके लिए होता था, एक के लिए, उसमें एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन से मल्टीप्लाई करोगी तब तो टोटल एनर्जी निकलेगी। अब अगर ये के इंटू एन लिखा और ये टी, हमारा टी क्या हो गया यहां पर, वन, ये टी कैसे वन हुआ थोड़ा बता सकते हो क्या, एक ही डिग्री बढ़ाना होता, यहां डेल्टा टी तुमने वन कर दिया एक डिग्री बढ़ाने के लिए हीट, और ये जो टोटल एनर्जी थी ये एक ही टी की वैल्यू वन क्यों ली है, क्योंकि एक डिग्री बढ़ाया है, एक डिग्री में राइज किया है, तो हमने कितनी एनर्जी दी है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमने दी है वो कितना प्रोसेस करा रहा, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं, यहां पर एक डिग्री हमको बढ़ाना है ना डेल्टा टी, तो एक डिग्री बढ़ाई और उसमें कितनी एनर्जी प्रोसेस करेगा, 3/2 KT, और टी क्या कर रखा है, वन, एक ही डिग्री तो बढ़ाया था तो उसमें कितनी एनर्जी वो प्रोसेस करेगा, जो हम देंगे वही प्रोसेस करेगा, तो ये वैल्यू भी हो गई वन, तो ये बन गया क्या 3/2 KN, ठीक है। और हमको ये फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला मालूम है, कि R इज इक्वल टू K K इंटू N, K की वैल्यू होती है R/N, ठीक है। तो अब K इंटू N को क्या लिख सकते हो, R, अब ये वैल्यू आ गई 3/2 R, वॉट इज आर हियर, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इस बात को याद रखिएगा कि के होता है R/N, ये आई बात पकड़ में, अगर ये बात पकड़ में आई तो अब हम जानते हैं एक रिलेशन मेयर्स रिलेशन से CP-CV इज इक्वल टू R, ये हमको पता है पहले प्रूफ कर चुके, तो अगर CV मालूम तो CP कितना, तो CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP-R, तो इसको एक CP इज इक्वल टू R+CV, तो R में हमने याला CV जोड़ दिया तो वैल्यू आ गई 5/2 R। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए हमारा CV कितना है, 3/2 R, हमारा CP कितना है, 5/2 R। अगर हम गामा भी निकालना चाहें, गामा क्या होता था, CP/CV, तो CP की वैल्यू 5/2 R और इसकी वैल्यू 3/2 R, R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/3 विच इज इक्वल टू 1.6, ऐसे आया 6 करके आएगा डिवाइड जब करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 1.66। अप्रॉक्सीमेटली इसको लिख दीजिए 1.7, ठीक है। अब इसी जगह गामा निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, सीवी निकाल लिया, अब हमारी वैल्यू अगर डाइटॉमिक के लिए होती तो डाइटॉमिक के लिए हमारे पास यहां एनर्जी कितनी मिला करती थी, 5/2 KT, याद है ना, अभी पढ़ा, तो अगर 5/2 KT मिलेगी तो सीवी हमारा कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 5/2 R, आ रहा है समझ में ना, सब कुछ प्रोसेस सेम, बस टोटल एनर्जी 3/2 KT, डायटॉमिक में 5/2 KT, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5, और एक में होता है हाफ, तो 5 के लिए 5/2 KT, तो टोटल एनर्जी सीवी हो गई 5/2 K। अब जानते हैं सीवी, सीपी कितना, एक आर और जोड़ दीजिए उसमें,
तो आर अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7/2 आर, और इससे गामा निकाल सकते हो सीपी अपॉन सीवी, तो 5/2 अपॉन 7/2, आर आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, 5/2 अपॉन 7, कुछ उल्टा लिख गए, सीपी अपॉन सीवी ये हुआ 7/2 आर और ये हुआ 5/2 आर, वैल्यू कैंसिल की आ गया 7/5 विच इज इक्वल टू 1.4। तो ये देखिए जो कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशन थ्योरेटिकल कर रहे हैं ना यहां से, तो ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, ये कैलकुलेशंस हमने निकाली मोनोटॉमिक के लिए सीवी कितना, सीपी कितना, गामा कितना, डायटॉमिक के लिए कितना, इसी तरह और भी निकाला और एक्सपेरिमेंट करके भी वैल्यू निकाली, और हमने क्या देखा कि हमारी और ये वैल्यू काफी हद तक सेम है, काफी और कुछ के लिए सेम नहीं थी आगे, तो वहां पे वाइब्रेशनल एनर्जी को ऐड कर दिया गया जो यहां निकल रही है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया कि एक्सपेरिमेंट से वैल्यू बराबर आ रही है, तो मैच कर गई थ्योरी हमारी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब और पॉलीएटॉमिक गैसेस की बात की गई तो वहां पे कुछ थोड़ा बहुत फर्क आया, वो फर्क कैसे समझा गया कि वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं अटकी है, वो जब ऐड की गई तो लगभग उसी के आसपास आ गई, तो हमारा जो थ्योरेटिकल वर्कआउट था वो वर्कआउट एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसमें और एक दो बातें हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं, और फिर नेक्स्ट टर्न पे एक चार्ट बनाना चाहते हैं वो हम बनवाएंगे आपसे, जिससे आप वो वैल्यूज याद कर लीजिएगा। तो आज इसके आगे की बात, ये दो तीन बातें और जान लेते हैं। एक तो ये कि अब सॉलिड्स की बात करते हैं, अगर हम लोग सॉलिड कोई चीज लेते हैं तो उसमें ज्यादा मूवमेंट करने की गुंजाइश नहीं होती, तो वो जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, वो उन सॉलिड्स के पास केवल वाइब्रेशन वाली एनर्जी रहती, वाइब्रेट कर सकते हो, और किस तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तीनों जगह, इधर का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड्स की। सॉलिड्स को ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह फिक्स्ड होता है ना उनका शेप वेप, तो उस वजह से जो वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं वो हो सकते हैं। तो वो होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, वाई में कर सकते हैं, जेड में कर सकते हैं, और हमको ये मालूम है कि हर वाइब्रेटरी मोशन में दो तरह की एनर्जी प्रोसेस होती है, यानी एक में अगर होती है हाफ के टी तो एक में आ जाएगी कितनी, हाफ के टी इंटू हाफ के टी प्लस हाफ के टी प्लस हाफ के टी, यानी के टी आई एक में के टी, तीन तरीके हैं तो कितनी आ गई, 3 KT। आ रही बात समझ में, तो उसके पास जो एनर्जी वो प्रोसेस करता है वो कितनी प्रोसेस करता है, 3 KT, 3 KT किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, और एवोगाड्रो नंबर एक मोल के लिए कितनी, 3R, 3RT कह दीजिए उसको, बात समझ में आती है, तो 3 KT या 3R बोल देंगे, और एक डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहे हैं तो 3R बोल के छोड़ देंगे उसको।